हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैप्टर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सोल्ड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपोर्ट सो इन दिस लेक्चर आल्सो वी विल बी कवरिंग द सेम पार्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हमारे पॉइंट uh, में जैसे कि हॉस्पिटल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे फिलहाल अभी हम ट्रांसपोर्ट का और एक क्वेश्चन देख लेंगे आई थिंक आपको ट्रांसपोर्ट के जो मेजर क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हुए रहेंगे कि हमें दो पॉइंट्स यूजअली ध्यान रखना है ज स्टैंडिंग चार्जेस एंड नंबर सेकेंड इज द रनिंग देखें तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको तीन ट्रक का इन्फॉर्मेशन दिया है ट्रक वन ट्रक टू एंड ट्रक थ्री एंड वी हैव मेनी पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन सुपरविजन गैरेज रेंट रोड एंड अदर टैक्सेस बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे है और हमें तीन ट्रक्स का इंफॉर्मेशन दिया है और इससे हमें प्रिपेयर करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट तो देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है देखो अगर हम ध्यान से देखें स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सबसे पहला हमारा जो कॉस्ट है दैट इज फिक्स कॉस्ट विच इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग चार्जेस तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं देखो अगर हम ध्यान से देखें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स से लेके अदर फिक्स कॉस्ट तक पे आपके सारे के सारे फिक्स कॉस्ट मतलब होता है स्टैंडिंग चार्जेस एक्सपेंसेस डेप्रीसिएशन सुपरविजन गैरेज रेंट रोड एंड अदर टैक्सेस एंड अदर फिक्स कॉस्ट इन सभी पॉइंट्स के अमाउंट सेम टू सेम लिख दिए हैं तो ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने क्वेश्चन से देखे वो सारे के सारे पॉइंट्स वी हैव रिटर्न ओवर हियर दैट इज ट्रक वन ट्रक टू एंड ट्रक थ्री एंड वी गॉट द टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या मिल गया टोटल फिक्स कॉस्ट इसके लिए एक अल्टरनेटिव नेम भी दे सकते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल स्टैंडिंग चार्जेस इसे क्या कहते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस बोलो या फिक्स कॉस्ट बोलो बात एक ही हो जाएगी फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो दैट इज पार्ट कॉल्ड एस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हमने और एक नाम सीखा थाज रनिंग रनिंग चार्जेस ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है तो so अगले जो पॉइंट से ड्राइवर सैलरी वो भी अमाउंट तो मैंने सेम टू सेम लिखा है इसलिए ज्यादा कैल्कुलेशन नहीं है और मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ इसमें बिकॉज हमें इस सारे अमाउंट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल करके दिए है ऑयल भी दिया है आपके क्वेश्चन में तो फिर हम क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट या इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज टोटल रनिंग चार्जेस तो इसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या रनिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं देन हमें करना क्या है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है हाउ टू तो कैलकुलेट दैट कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल तो रनिंग चार्जेस एंड स्टैंडिंग चार्जेस इन दोनों को अगर हम हाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दैट विल बी द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो दिस इज द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरी सिंपल स्टेटमेंट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन जस्ट वी हैव टू पॉइंट्स दोंग टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट नंबर वन इज स्टैंडिंग चार्जेस एंड नंबर सेकंड इज द रनिंग चार्जेस तो काफी सिंपल क्वेश्चन था हमारा दैट विल बी रिलेटेड टू योर पॉइंट तो दिस वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है काफी अच्छा है ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया दैट इज रिलेटेड टू योर ट्रांसपोर्ट वैरायटी ट्रांसपोर्ट के वैरायटीज uh, के, के हमने दो मेजर क्वेश्चन सीख लिए हैं अब अगले लेक्चर में हम हॉस्पिटल के पार्ट को शुरू करेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर